दोस्तों नमस्कार। आज 14 जून 2022 मंगलवार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं बाजारों के सितारे, यानी आपका राशिफल, एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावना है, शेयर बाज़ार में क्या हो सकता है और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावना बन सकती है। दोस्तों सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, सावधानी रखनी आवश्यक है। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं, आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, आपके लिए दिन आज अच्छा रह सकता है, लाभकारी हो सकता है, आप विशेष ख्याल रखें। 4, 8, 12 जी हाँ, यह है जल तत्व की राशियाँ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, आज आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है। तो दोस्तों ये था बाजार के सितारे यानी आपका राशिफल। अब हम चर्चा करेंगे एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावनाएँ बन सकती हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि जीरे का में चाइना यानी चीन, टर्की, सीरिया एवं अफगानिस्तान का जीरा बाज़ार में आ सकता है, क्योंकि जून जुलाई में उनका क्रॉप बाज़ार में आ सकती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा, क्या चाइना, सीरिया, टर्की और अफगानिस्तान का जीरा बाज़ार में आने से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्या भारतीय जीरे की मांग कम होगी या नहीं, ये एक यश प्रश्न है जिसका खुलासा हम अपने विशेष रिपोर्ट यानी विशेष एपिसोड में आगे जरूर करेंगे आने वाले दिनों में। आज इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जीरे के अंदर यानी क्यूमनीस के अंदर गिरावट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ साथ मसालों में दूसरा महत्वपूर्ण मसाला यानी कोरिएंडर यानी धनिया के अंदर भी आज गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं, अतः विशेष ख्याल रखें। एग्रो वॉच में धनिया और जीरा यानी कोरिएंडर एंड क्यूमनीस के अंदर आज गिरावट की संभावना बन सकती हैं। अब स्टॉक मार्केट में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर महत्वपूर्ण निफ्टी महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच गई है, जहां पे स्ट्रांग बाउंस बैक होने की पूरी संभावनाएं बन सकती हैं। विशेषकर का जो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को देखते हुए बाज़ारों में न केवल भारतीय अपितु ग्लोबल स्टॉक मार्केट के अंदर एक भय का माहौल या वातावरण बना, इसके चलते पूरे वर्ल्ड में या चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, यहाँ सभी सेकेंडरी कैपिटल मार्केट यानी शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहेगा, क्या अब निफ्टी के अंदर खरीदारी चालू कर देनी चाहिए। जो बहुत अच्छे स्टॉक्स जो प्री कोविड के स्तर पर आ चुके हैं, क्या उन स्टॉक्स के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, अब ये महत्वपूर्ण यश प्रश्न है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण यही रहेगा कि आप विशेष ख्याल रखें, क्वालिटी स्टॉक के ऊपर पूरी नज़र बनाए रखें और उनको टुकड़ों के अंदर यानी स्मॉल बैच के अंदर बाइंग कर सकते हैं। विशेषकर आप मेटल, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के अंदर निचले स्तर के ऊपर धीरे धीरे बाइंग कर सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण चर्चा, इंडियन रुपी 78.25 रुपये से अधिक गिर चुका था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन डॉलर के मुकाबले। ये एक ऐतिहासिक लोएस्ट भाव भारतीय रुपया का अमेरिकी डॉलर के बरखिलाफ माना जाता है, लेकिन अब 78 रुपये से नीचे भी जाने की संभावना भारतीय रुपये की बन सकती है। इसमें मजबूती की संभावना अमेरिकन डॉलर के बरखिलाफ बन सकती है, तो विशेष ख्याल रखें। दोस्तों तीसरा हमारा आइटम है यानी तीसरा भाग इस शो का, वो है कमोडिटी मार्केट, नॉन एग्रो कमोडिटीज़। आज नॉन फेरस फेरस दोनों पे ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेस मेटल के अंदर कॉपर के अंदर आज तेज़ी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 758 लेवल MCX पे जो देखा गया, 700, 758, 759 इन स्तर के ऊपर कॉपर के अंदर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस होगा 752 का। आने वाले समय के अंदर ये 765, 768, 772 और 775 जैसे भाव देखे जाने संभव हो सकते हैं, विशेष ख्याल रखें। लेकिन उतार चढ़ाव वाले बाज़ार में
आपको स्टॉप लॉस का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। हमने आपसे इस शो के अंदर आपकी राशिफल, शेयर बाज़ार में होने वाली हलचल, एग्रो कमोडिटीज़ में क्या होने की संभावना है, भारतीय रुपया यानी करेंसी के ऊपर अपडेट और बेस मेटल यानी कॉपर पर आपको व्यू दिया। बाज़ार का 360 व्यू जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप हमसे व्यक्तिगत राय के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।